सितंबर के पहले हफ्ते में तालिबान ने दावा किया था कि पंजशीर घाटी पर उनका पूरी तरह कब्जा हो गया था। हालांकि रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अहमद मसूद एक पैरेलल गवर्नमेंट का ऐलान करेंगे। फिलहाल हुआ यह है कि एक पेंटिंग की तस्वीर वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि इस पेंटिंग में भगवान कृष्ण और पांडव हैं और ये दावा किया जा रहा है कि ये पेंटिंग पंजशीर पैलेस में रखी हुई है। इस दावे की असलियत ऑल्ट न्यूज आपको बताएगा। सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि आखिर ये पंजशीर पैलेस क्या है। असल में पंजशीर पैलेस जैसी कोई जगह है भी ये कहना मुश्किल है। हमने गूगल, विकिपीडिया और यहाँ तक कि ट्रिप एडवाइजर भी छान मारा, लेकिन कहीं भी पंजशीर पैलेस जैसी किसी जगह का नामो निशान नहीं मिला। फिर हमने अफगानिस्तान के दो पत्रकारों से भी बात की, उन्होंने बताया कि वहां ऐसी कोई जगह नहीं है। अब बात इस पेंटिंग की, क्या यह पेंटिंग अफगानिस्तान में है? हमने योंडेक्स पर रिवर्स इमेज सर्च किया, मालूम पड़ा कि यह पेंटिंग रूस के सेंट पीटर्सबर्ग की एसपीबी आर्ट गैलरी की वेबसाइट पर दी गई थी। वेबसाइट पर जो जानकारी दी गई है वो बताती है कि यह पेंटिंग रसिका नंद ने बनाई थी। इसका टाइटल है कृष्ण और पांडव। वेबसाइट के मुताबिक पेंटर रसिका नंद का जन्म रूस के एक शहर में हुआ था। वेबसाइट पर जो लिस्ट है उसमें इस पेंटिंग को सोल्ड बताया गया है। इसके बाद हमने फेसबुक पर पेंटर रसिका नंद से संपर्क किया। उन्होंने हमें बताया कि उनका रूसी नाम नोविकोव वी है, लेकिन वो ज्यादातर अपने भक्ति नाम रसिकानंद दास का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने ये पेंटिंग 1999 में स्वीडन पहुंचाई थी। उन्होंने ये भी बताया कि ये पेंटिंग उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय को लेकर बनाई थी और इसे बनाते हुए अफगानिस्तान के बारे में उन्होंने नहीं सोचा था। इस पेंटिंग और इससे जुड़े दावों को ध्यान में रखते हुए रसिकानंद ने फेसबुक पर एक पोस्ट भी लिखा था। यानी ये समझ में आता है कि असल में एक रूसी कलाकार की बनाई गई पेंटिंग को भारतीय सोशल मीडिया में ये कहकर शेयर किया जा रहा है कि कृष्ण और पांडवों की ये पेंटिंग पंजशीर पैलेस में रखी गई है, वो पंजशीर पैलेस जो अस्तित्व में ही नहीं है।